बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कॉफी विद सीईओ बाय सीईओ क्लब पाकिस्तान एंड सीईओ टुडे मैगजीन इजाज हाजिर है जी। तो आज जो हमारी मेहमान जो शख्सियत हैं वो इमरान मुनीर साहब हैं, जो कि आलमोस्ट वन ईयर्स कंप्लीटेड एज एम डी एज ए सीईओ ऑफ द पाकिस्तान, सबसे बड़ा अदारा है जी, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन SSGC। इनसे पूछते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या इनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एज अ लीडरशिप, क्योंकि सारी ज़िंदगी इन्होंने बाहर काम किया है, पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन में किसी बड़े अदारे में आए हैं, और सबसे बढ़कर जो इनकी स्ट्रेंथ है वो टर्न अराउंड मैनेजमेंट, मर्जर एक्विजिशंस और जो एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इमरान, आपका बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। मुझे अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं कि इतना बड़ा चैलेंज आपने स्वी गैस SSG में लैंड किया, उससे पहले आपकी हाई प्रोफाइल अचीवमेंट्स क्या क्या रहीं कि आपने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया? सर देखिए, मैं पाकिस्तान से बाहर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स रहा हूँ, और यहाँ से जाने के बाद एजुकेशन ख़त्म करने के बाद मैंने बेसिकली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ही काम किया, और दुनिया भर में काम किया है। फ्रॉम US बेस्ड था, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में हर जगह, साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील, ट्रिनिडैड, पेरू, मेक्सिको वगैरह में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, और एज फार एज इन रशिया, इन इंडिया एंड चाइना। सो मैंने जहाँ भी ऑयल प्रोड्यूस होता था, जहाँ जहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री थी वहाँ पे काम किया, और ऑयल के डिफरेंट फ्रॉम ड्रिलिंग, फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, फ्रॉम रिफाइनरी, फ्रॉम M&A एक्टिविटी, और उसकी बैंकिंग के सारे कुछ चीज़ें की। और अब बेसिकली इतने सालों के बाद यहाँ आने का ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो यही था कि वापस आया जाए और जो कुछ बाहर सीखा है उसको यहाँ पे उसको यूज़ किया जाए, और जो स्किल सेट्स हैं लोगों को बेनिफिट किया जाए और कंपनी कंट्री को बेनिफिट किया जाए, तो इसीलिए वापस आया हूँ मैं। सर एक सवाल है कि आप पाकिस्तान में आए हैं तो पाकिस्तान की एक इंस्पिरेशन होती है कोई इतना बड़ा प्रोफाइल का बंदा जिसने ग्लोबल एक कॉन्टेक्स्ट में काम किया हो, तो वाई पाकिस्तान? क्या कोई पैशन लेके आया, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ब्लड का कोई था कि कशिश थी, या कोई चैलेंज को एक्सेप्ट किया? सब कुछ, आई थिंक। देखिए, यहाँ पे बड़ा ही हुआ कराची में, स्कूल कराची में किया था, तो हमेशा आपके जहन में, आपके बैक ऑफ माइंड में यही रहता है कि आपको एट सम पॉइंट अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप वापस जा सकें। और उसी अपॉर्चुनिटी जब ये हुई थी, तो ये कि मेरा तो एक प्रिंसिपल है, मैं सबको ये कहता हूँ कि आई डोंट वांट इफ्स इन माय लाइफ। और इस वक्त ये था कि अगर ये मैंने नहीं लिया होता तो मैं ये नहीं रिग्रेट करना चाहता था 2-3-4-5 साल बाद कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी अगर ले ली होती तो क्या होता। बेशक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक्चुअली मैंने जब आप बाहर होते हैं तो आप रियलाइज़ भी नहीं करते कितना बड़ा चैलेंज था जब मैं यहाँ आया। इट्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क, लेकिन कोर मेरी इसमें ये है कि जो इस जॉब की प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज हैं, उस पर फोकस नहीं किया जाए, बट उन चीज़ों पर फोकस किया है कि कहाँ हम इस कंपनी को ले जा सकते हैं और कहाँ फ्यूचर है। क्योंकि सबको यहाँ, हर लोग मुझे बता देंगे कि वो चीज़ें क्यों नहीं हो सकती, और मुझे भी पता है क्यों नहीं हो सकती, लेकिन वी हैव टू लुक एट अपॉर्चुनिटीज़ और क्या हम कर सकते हैं, इस कंपनी की जो इश्यूज़ हैं उसको किस तरह से हल कर सकते हैं और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और आगे उसको कहाँ ले जा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर। सारी चीज़ें जो आपने कही वो, और पाकिस्तान क्यों, तो वो तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। मेरे लिए तो ये था कि जब यहाँ आने की बात हो रही थी तो देयर वाज नो अदर प्लेस देन कराची आई वुड कम टू। सो नहीं, यू आर माशाल्लाह जी राइट प्लेस। इमरान साहब से पूछते हैं कि ये जो टर्न अराउंड के जो माशाल्लाह इनकी स्पेशलिटी है कि ये टर्न अराउंड मैनेजमेंट गुरु हैं, तो ये SSG जैसे दायरे को, वो भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो सेमी पब्लिक सेक्टर है, ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या ये उन्होंने डेवलप किया कि हम पाकिस्तान के इन अदारों को, और क्योंकि गैस के साथ मुंसलिक है और गैस इज़ बीइंग डिप्लीटेड वेरी रैपिडली, आगे पता नहीं इसका फ्यूचर गैस का नहीं है, तो क्या इनके पास और विजन है कि वो गैस के अलावा भी कोई चीज़ों पर फोकस कर सकें और इस ऑर्गेनाइजेशन को टर्न अराउंड कर सकें? बिल्कुल सर, देखिए हमारी सबसे बड़ी इशू यही है कि हम जो प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो डिप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिश्ड है, और हम 9-10% हमारी जो रिजर्व्स हैं वो नीचे जा रहे हैं। हमारे और इश्यूज यही हैं कि हमारे यहाँ गैस के जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं,
और अभी हमारे सिस्टम में 15% जो गैस है वो UFG कहा जाता है, जिसमें थेफ्ट भी आती है, लीकेजेस भी आती हैं और बहुत आदि दूसरे मेजरमेंट के इश्यूज भी आते हैं, तो वो हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कंपनी जो है 2014 से हैज नॉट मेड मनी, वो ऑब्वियसली yes. बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमें हमें आगे क्या करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हैं, हमारे पास बहुत बड़ा स्टाफ है और हमें उसको भी मैनेज करना है, और आगे हम क्या कर सकें कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट रह सके, ये कंपनी टर्न अराउंड हो सके और एक फ्यूचर हो सके। तो जब मैं इसको देखता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं जो लोगों को यहाँ पे कही है कि SSGC इज़ नॉट अ गैस कंपनी, और लोगों को बहुत ताज्जुब होता है जब मैं ये कहता हूँ, वी आर अ लॉजिस्टिक्स कंपनी, हम एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, हमारे पास पाइपलाइंस का नेटवर्क है, तो हमें देखना है कि हम क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये गैस इज़ नॉट दी ओनली थिंग वी कैन ट्रांसपोर्ट, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑयल हो, तो वी आर लुकिंग एट ऑल अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारा इतना बड़ा नेटवर्क 50,000 किलोमीटर का है उसको हम यूज़ कर सकें टू ट्रांसपोर्ट अदर आइटम्स अदर देन गैस। दूसरी ये बात है कि जैसे मैंने कहा, हम इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इसको गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, तो हमें जो पूरी सप्लाई चेन है, जब से गैस का मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है और एंड कस्टमर तक जाता है, वो हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि हम किन किन चीज़ों में हम जा सकते हैं। तो इसके अंदर ENP जो प्रोडक्शन भी आ जाता है, गैस जो बाहर से आएगी उसके टर्मिनल्स भी आ जाते हैं, रीगैसिफिकेशन, उसके बाद उसकी स्टोरेज भी आ जाती है, और स्टोरेज जब में आएंगे तो फिर दूसरी चीज़ों की स्टोरेज, जैसे केमिकल्स है या और कमोडिटीज़ हैं उनकी स्टोरेज के ऊपर भी आ सकते हैं। हम एक प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह भी काम कर रहे हैं जो या थर्मे कोल है उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रोसेस ये है कि जो भी चीज़ जो हमारा जो कोर एसेट है जो सबसे बड़ा है जो पाइपलाइन का है उसको किस तरह से यूज़ कर सकें, और जहाँ हमारी वीकनेसेस हैं उसको किस तरह से कम कर सकें, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ और जो इन दूसरी चीज़ों में जाने के लिए हमारे पास इस वक्त स्टाफ नहीं है, तो हम जॉइंट वेंचर्स बाहर की कंपनीज के साथ कर सकें जो हमें वो स्किल्स सेट दे सकें, और हमें ऑब्वियसली क्योंकि पैसों की शॉर्टेज है तो जॉइंट वेंचर इसलिए भी करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पैसे भी इस कंपनी में आ सके। लेकिन जो नेटवर्क है और जो हमारे पास जो पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है वो किसी के पास नहीं है, तो उसको हमें एज एन एडवांटेज यूज़ करना होगा गोइंग फॉरवर्ड। सर मुझे ये बताइए कि दो चैलेंजेस जो होते हैं ना, एक होता है थेफ्ट और एक होता है लीकेज, इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये तो आपने प्रोडक्शन की बात कर ली, लेकिन थेफ्ट और लीकेज को व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी? ठीक है, देखिए दोनों चीज़ों की कि मैं आपको एक थेफ्ट की पहले एग्जांपल दूं, कराची में इस वक्त हमारे पास जो कस्टमर है, हमारे पास 20 लाख कस्टमर हमारे पास कराची में है। हमारी एक सिस्टर कंपनी करके इलेक्ट्रिक यहाँ पे है, उनके पास उसी शहर में वही कस्टमर्स में 27 लाख कस्टमर्स, तो हमारे पास ये है कि 7 लाख कस्टमर इस वक्त कराची में ऐसे हैं जिनको गैस मिल रही है और उसके वो प्रॉपर बिलिंग भी नहीं हो रही, ना पे मीटर्स लगे हुए हैं। तो ये ऐसी इश्यूज हैं जो मैक्रो लेवल की इश्यूज हैं, इसमें हम ओगरा से भी की हेल्प ले रहे हैं, मिनिस्ट्री की भी हेल्प ले रहे हैं, सिन गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि देर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन कि इन घरों के ऊपर जिनके ऊपर बिल्डिंग्स के NOC नहीं मिले वहाँ पर हम जाके एक्चुअली मीटर लगा सकें। तो इट इज़ अ बिग मैक्रो इशू जो हम हल करना चाहते हैं। जहाँ तक आपने लीकेज वगैरह की बात की, उसमें हमारी सबसे बड़ी इशू ये है कि इस शहर में ये पाइपलाइन का नेटवर्क आज से 50 या 60 साल पहले डाला गया था, बहुत पुराना है, और बास जगह कराची में ऐसी है जहाँ पे उन पाइपलाइंस के ऊपर घर बन गए, तो उनको रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो हमने अभी ये प्रोसेस ये शुरू किया है कि जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हमने आउटसोर्स भी इसको किया है, और हमारी यही कोशिश है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा लीकेजेस हैं वहाँ पे पाइपलाइंस के नेटवर्क रिपेयर किए जाएँ। जो इंडस्ट्री हमारा कराची में है उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, और जिन लोगों को प्रेशर की इशूज़ है जहाँ गैस नहीं मिल रही है, हमने डेडिकेटेड इंशाल्लाह 3 पाइपलाइंस कराची में साइट के लिए, कुरंगी के लिए और लांडी के लिए, जो पुराने एरियाज हैं वहाँ पे ही नई पाइपलाइंस लगा दें ताकि उनको डेडिकेटेड प्रेशर पे गैस मिल सके और लीकेजेस कम हो। सर एक और बड़ा चैलेंज है उसके ऊपर भी लाइटन अस, कि वो चैलेंज ये है कि कंप्लेंट्स दो तरह की हैं, एक कंप्लेंट्स की गैस ही नहीं है, आती नहीं है। अभी पिछले दिनों भी आपकी बिल्डिंग के बाहर भी बहुत बड़ा एक बिजनेस कम्युनिटी ने भी हंगामा किया हुआ था, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल। सेकंड चैलेंज है कि ओवर बिलिंग है, उसके ऊपर भी ढेर सारे हज़ारों कंप्लेंट्स हैं, और उसका क्या मेकनिज़म है कि दोनों कंप्लेंट्स सीरियस किस्म की, बींग एन MD MCO, हाउ डू मैनेज? तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि गैस की इशूज़ है, गैस की शॉर्टेज है,
गैस की शॉर्टेज हमें एड्रेस करनी है, लेकिन इसमें ये मिनिस्ट्री भी इस पर काम कर रही है कि हमें लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस बाहर से लेके आएंगे, तो एक वेटेड एवरेज जिसे वेकॉग यहाँ पे कहते हैं वो उसको लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाहर की गैस का और यहाँ की गैस का एक फॉर्मूला हो जाए कि उसकी एवरेज प्राइस क्या होगी। वंस वो हो जाए तो फिर चाहे वो गैस बाहर से आए यहाँ से आए वो इशू नहीं होगी, और उसमें ऑब्वियसली ये होगा कि बाहर की गैस होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन हमें रियलिस्टिकली ये भी देखना है कि हमारी गैस की प्राइस बहुत सस्ती है। आप बिजली के मुकाबले में देखें या किसी और फ्यूल के मुकाबले में देखें, गैस की प्राइस बहुत सस्ती है, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल्स का जहाँ प्राइस पहुँच गई हमारी, तो बिल्कुल वो प्राइस नहीं था। हमें अगर उसको मेनटेन करना है तो गैस की प्राइस को बढ़ना पड़ेगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो फ्यूचर में जो ड्रिलिंग होगी उसको हम सपोर्ट कर सकें। तो गैस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कंप्लेंट्स की बात है, देखिए हमारे लिए तो यही है कि सारे कस्टमर को एड्रेस करना, उनकी इश्यूज़ को समझना और उसको सॉल्व करना हमारी कोशिश होती है। तो सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा गैस की शॉर्टेज है, गैस अगर ज़्यादा आ जाती है और हम उसको एड्रेस कर सकते हैं तो बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। हम इंटरनली ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा मैकेनिज़म कर सकें कि जहाँ पे ये इश्यूज़ कम से कम हो सकें, और इस तरह के बहुत सारे हमने चीज़ें इंटरनली हाईलाइट की हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, ताकि एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोसेस ऑटोमेट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं वो ह्यूमंस के जगह मशीन सिस्टम से जा सके, उनका जो टाइम है टर्न अराउंड का वो कम हो सके, हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं जो इन चीज़ों को एड्रेस कर सके उनको इन्हांस किया जाए। तो हमारी लॉन्ग टर्म यही कोशिश है कि इसको हल किया जाए, बट आई थिंक गैस ज़्यादा होना और या डिफरेंट एनर्जी सोर्स होना लॉन्ग टर्म बहुत ज़रूरी आई थिंक दैट्स द नहीं बड़ा सही आपने रिप्लाई दिया। एक और बड़ा सीरियस चैलेंज है, वो मैं मुझे आपसे पूछना बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है, वो ये है कि एचआर ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट है ना रियल, वो अधारे हुए वो लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जो दो कोर इशूज़ होते हैं रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स, एक उनकी ओवर स्टाफिंग और सेकेंड उनकी स्किल डेफिशिएंसी या कॉम्पिटेंस गैप, दोनों पे आप क्या कहते हैं स्टोरी ऑफ एसएसजी? जी बिल्कुल, देखिए हमारे लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी थी, जो सबसे बड़ा हमारा इशू इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आप कंपनीज में आ जाते और उसके बाद ट्रेनिंग और आपका जो फ्यूचर पैथ है वो डिफाइंड नहीं किया जाता। तो आई थिंक सबसे बड़ी बात जो हमने कर रहे हैं, हमने पहला स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ हमारे पास डिफिशेंसीज हैं और कहाँ कहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं हमारे लोगों में। तो डिफिशेंसीज बहुत सारी हैं, टेक्निकल लेवल्स पे बहुत डिफिशेंसीज हैं, तो दो तरह से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। एक तो ये कि हमें ट्रेनिंग जो है जो आजकल इन ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल नहीं होती, उस ट्रेनिंग्स को हमें इंक्रीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पूरे एक साल के अंदर दो हफ्ते या तीन हफ्ते की ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वगैरह सीख लें, लेकिन कोर अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो क्या नई चीज़ें उस इंडस्ट्री में आ रही हैं, क्या चीज़ें हमें उनको अप्लाई करना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारा इंटरनल स्किल सेट्स हो। दूसरी ये चीज़ है कि हमें जो है हमारे अगर आप एग्जाम्पल देखें, हमारी इस कंपनी की 11,000 लोग हैं, एवरेज एज इज़ 49 राइट। तो मेरा एक कोर्स वो यही है, आई थिंक मैं अपना KPI कह लूँ कि हमें अपनी एवरेज एज को 10 साल कम करना है, हमें यंगर लोगों को अट्रैक्ट करना है जो जिनके पास बेटर स्किल सेट्स हों स्पेशली टेक्निकल वाइज। हमारी दूसरी डिफिशेंसी यहाँ पे है कि इस वक्त जो वुमेन आर ओनली 5% ऑफ आर वर्कफोर्स, दैट आर इंटरनल टारगेट इज़ टू इंक्रीज दैट टू 10%। सो आई थिंक दैट वो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आई थिंक डिवर्सिफिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है और स्किल सेट्स इन्हांसमेंट बहुत ज़रूरी है और यंगर लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। मुरन साहब एक और चीज़ बताइए, ये तो पार्ट हो गया ना SSGC का और आपका ग्लोबल एक आपके एक्सपीरियंस का, नो मैं थर्ड पार्ट एक वो लीडरशिप के हवाले से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो CEO होता है, ये बिजनेस जो लीडर होता है, वो उसकी कोर कॉम्पिटेंस क्या होती है टू रन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन करने के लिए, तीन कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है फॉर CEO? तो देखिए मैंने बहुत जगह काम किया है, आई थिंक जो चीज़ें सीखी हैं अच्छी या बुरी, आई थिंक बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन को देख के आपको यू शुड बी एबल टू सम इट अप कि आपकी
कोर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, तो आपको पता हो कि किन चीज़ों पे आपको काम करना है और किन चीज़ों की आपके पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स हैं। दूसरा ये कि आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, आपको प्रॉब्लम्स तो बहुत होते हैं, सोल्यूशंस क्या हैं। जैसे अगर आप SSGC को देख लें, अगर हमारा इस वक्त रेवेन्यू जनरेटिंग का एक ही मैकेनिज्म है, हम गैस को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ले जाते हैं और हम आप कस्टमर से पैसे चार्ज कर लेते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से अपना जो एक वो जो जो थिंकिंग जो इनसाइड द बॉक्स है उसको किस तरह से चेंज करें कि हम दूसरी चीज़ें भी कर सकें जो अभी तक कभी हमने सोची नहीं है और जो करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक पहली चीज़ ये कि आपने उसको डिसाइड कर लिया कि क्या इश्यूज़ हैं, दूसरा ये कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें और सोल्यूशंस आउटसाइड द बॉक्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि क्योंकि जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं वो आप कर सकें। और आई थिंक जो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, आपने ये भी कहा कि इसमें पॉलिटिकल व्यू भी है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के आई थिंक आपको एक ऐसा सोल्यूशन करना है कि वो सस्टेनेबल हो और कंपनी ग्रो कर सके। बड़ा प्यारा आपने रिप्लाई दिया सर। इसी के साथ ही कनेक्टेड है कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिसर्च करता है CEOs पे, तो कहते हैं कि नंबर वन करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल CEO इज हैविंग अ EQ रादर देन IQ, इमोशनल कोशेंट उनका बेहतर होता है दूसरे लोगों से। व्हाट इज योर टेक ऑन EQ फॉर अ CEO और MD? सर देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गेज कर सके एंड यू लीड बाय एग्जांपल। आई मीन आई थिंक इंटेलिजेंस तो ऑब्वियसली जो लोग इन पोजीशन में जनरली आ जाते हैं, इंटेलिजेंस तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस के बगैर आप टॉप लेवल पे नहीं पहुंच सकते वर्ल्ड वाइड जनरली। लेकिन आपके पास क्या एक्स फैक्टर है, क्योंकि आप यू शुड बी एबल टू इंस्पायर द पीपल विद इन योर कंपनी। आपके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या विजन है कि लोग कह सकें कि दिस इज़ माई लीडर, दिस इज़ द पर्सन आई एम लुकिंग अप टू लीड दिस ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर लोएस्ट लेवल पे भी जाके किसी से बात कर सके, उनको ये फील नहीं हो कि यू आर नॉट एट दैट लेवल, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी एबल टू टॉक टू द मिनिस्टर्स और पीपल दैट आर अबव यू एंड टू बी एबल टू मेक द राइट डिसीजन। तो आई थिंक दैट एबिलिटी टू बी द एक्स फैक्टर कि आप लोगों से रिलेट कर सके और वो कह सके हाँ ये पर्सन वो है जो मुझे इंस्पायर कर रहा है और इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। तो आई थिंक दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। CEOs make decisions, either the easy decision, difficult decisions, tough decisions. So Imran Munir sahab ka aaj tak ki date mein today, which is the most difficult and one of the difficult or the decision in your lives? So decisions to bahut kiye hain. I think yahan pe aake agar main sirf SSGC ko dekhe, kyunki humne जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहाँ भी एक तो ये कि जिस चीज़ में आप बिलीव करें, आई थिंक उसके ऊपर आप एक स्टैंड लें, आई थिंक वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक कि अगर इफ़ यू फील दैट इज़ द राइट पाथ, तो आप उसके ऊपर लें। आई थिंक यहाँ पे हमने दो चीज़ों में मेंशन करूँ, आई थिंक यहाँ पे गैस थेफ्ट के हवाले से आई थिंक पिछले दो हफ्ते में ये काफ़ी हमने इस पर एक्शन लिया है कि यहाँ पे लोगों ने बेसिकली इलीगली गैस यूज़ हुए जा रही थी इंडस्ट्री में, एंड वी टुक अ स्टैंड अगेंस्ट सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री, जस्ट बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द राइट पाथ टू डू। सेकेंड, आई थिंक जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, आई थिंक नो वेयर एवर इन अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान हैड ए एक्शन बीन टेकन अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट। वो हमने यहाँ पे ने किया है, एंड वी शोड इट टू एवरीबडी दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड गोइंग फॉरवर्ड। जीरो टॉलरेंस है, और वी एक्चुअली वी हैड टू लेट अ सीनियर पर्सन गो। तो आई थिंक इट सेट्स द पाथ कि ये चीज़ें टॉलरेट नहीं होंगी, एंड आई थिंक वी विल टेक अ स्टैंड ऑन इट। सर, सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं इन योर ओन कीवर्ड्स, योर और मंत्र ऑफ सक्सेस? सर, मेरे लिए देखिए, सक्सेस बाज लोगों के लिए मॉनेटरी हो सकता है, बाज लोगों के लिए एजुकेशन है या व्हाटएवर। मेरे लिए ये है कि व्हेन यू लुक बैक एन अ करियर कि आपने क्या अकम्पलिश किया। आई थिंक यहाँ पे आके मेरे लिए आई डिडंट कम हियर फॉर मनी, आई डिडंट कम हियर फॉर आई एम नॉट पॉलिटिकली टाइट, आई हैव लेफ्ट माय फैमिली बिहाइंड एंड आई हैव कम हियर। मेरा माय गोल इज़ दैट आई वांट टू लुक बैक
ऑन दिस टाइम एंड से कि ये कोर चीज़ें, ये बड़ी चीज़ें मैंने पाकिस्तान में की और इसका इम्पैक्ट कंपनी पे और पाकिस्तान के ऊपर फ्यूचर में होगा और इससे चीज़ें बेहतर हुई हैं. एंड आई वांट टू लुक बैक एंड आई वांट टू बी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन. सो आई थिंक माय सक्सेस इज हाउ वेल आई कैन लुक बैक ऑन माय टाइम स्पेंड हियर एंड हाउ वेल द कंपनी डज आफ्टर आई लीव. माशाल्लाह ज़बरदस्त रोल मॉडल और यू में से योर इंस्पिरेशन, क्योंकि जो भी सीईओ होता है ना वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है लेकिन उसका भी कोई इंस्पायरर होता है. हु इज़ योर इंस्पिरेशन? ज़ाहिर सी बात है जो लोग आपके साथ आपने उनके साथ काम किया है या उनके साथ माय वन ऑफ द प्रिंसिपल्स आई हैव इज़ आई ऑलवेज कीप 5 पीपल इन माय लाइफ दैट आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय, राइट? एंड द रूल इज़ दैट इफ़ आई फाइंड द 6 पर्सन, वन आउट ऑफ द 5 पीपल हैज़ टू बी ड्रॉप्ड, राइट? सो इट्स ऑलवेज 5 पीपल. ओके. सो मेरे लिए ये होता है कि ऑब्वियसली जब आप शुरू में होते हैं तो वो 5 लोग प्रॉब्ली आपके टीचर्स ही होंगे, बट एज यू गो अलॉन्ग देन इट बिकम्स समबडी एल्स और समबडी एल्स. सो मेरे पास अब उस लिस्ट में एक ही टीचर बचे जो थे, लेकिन ऑब्वियसली पीपल दैट आई वर्कड विद ओवर द ईयर्स एंड उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस वक्त, देन आई लुक्ड अप टू देम एंड आई स्टिल डू. सो वो मेरी एक 5 लोगों की लिस्ट है एंड आई लुक फॉरवर्ड अप टू इट ऑल द टाइम. सर ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है लेकिन टफ क्वेश्चन है. हाँ बिल्कुल. वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल और एक बड़े दायरे में आप काम कर रहे हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स एज वेल, तो एक जस्टिफाई, हाउ डू यू जस्टिफाई योर वर्क एंड योर लाइफ? बिकॉज फैमिली इज देयर ह्यूस्टन USA एंड यू आर वर्किंग हियर, समटाइम यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट अपने प्रोफेशनल वर्क्स के लिए, तो हाउ डू यू जस्टिफाई वर्क? सर देखिए, आई हैव कम हियर टू गेट समथिंग डन, आई एम हियर टू टास्क मेरे पास हैं, तो आवर्स आर ऑब्वियसली वेरी वेरी लॉन्ग. बहुत सरप्राइज होता है यहाँ पे लोगों के, बट आई एम एट वर्क बाय 7:45 and I'm usually here till 6:30 or 7, so hours are very long, but important hai, I try to exercise as frequently as I can. I bike about 20 kilometers on a Sunday, try to at least balance that. Wahan pe abhi tak I was playing cricket, ab yahan pe I think this Saturday I'm going to start playing again, I think. Very good. just to try to balance it and jo time hota hai, obviously try to keep up with my family. My kids are in different colleges in the US, to unke sath kar sakun, to balance वैसे ये है कि ज़्यादा tilt अभी work की तरफ ही है, work की तरफ, because मैं यहाँ obviously एक काम करने के लिए ही हूँ. बट सर जाते जाते यानी कि लास्ट से अगेन मेरे जहन में एक चीज़ आ गई, ये जो आपके चेहरे पे इतनी जो तमानियत जिसको हम कंटेंटमेंट, एक यू आर अ वेरी हैप्पी फेस, वेरी स्माइलिंग फेस, ये कंपोजर जिसको हम कहते हैं, वन ऑफ द वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर, द कंपोज्ड पर्सनैलिटीज, तो क्या सीक्रेट है इसका? सर देखिए, मैंने आई रियलाइज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू मी एंड आई थिंक इन दिस केस इट वॉज नॉट money or it wasn't, I mean I alhamdulillah I was doing well over. You're there blessed. I was blessed, Allah ka bahut karam hai, but I think ye tha ki ye cheez mujhe karni hai aur I think main ek task ke liye aaya hu, inshallah I'm focused on it, to wo task hoga and jo bhi log mera around hai, my goal is to inspire them and to get them to the same level. To contentment yahi hai ki matlab mere paas us tarah ka stress nahi hai ki mujhe ye cheez kisi wajah se करनी है. आई थिंक टास्क अपने सामने रखे हैं और इंशाल्लाह वो करने ही हैं, तो कंटेंटमेंट वही होगी मेरे लिए कि जब टास्क हो जाए एंड आई कैन एक्चुअली शो व्हाट आई हैव डन. तो आई थिंक आपको जो मे बी अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स या एजुकेशनल गोल्स या पॉलिटिकल गोल्स या कोई भी चीज़ें वो नहीं होती, मुझे किसी ने I'll tell you a little funny story. I went in Islamabad और किसी ने मुझे ये कहा था कि यहाँ पर सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं जो इस्लामाबाद आते हैं. Okay. तो मैंने उनसे पूछा था किस तरह के लोग होते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि आप या तो वो यहाँ इनहेरिटेंस से की वजह से आ जाते हैं कि उनकी जनरेशन ही पॉलिटिक्स में, जी जी. या वो फिर पैसे की वजह से आते हैं, या वो आते हैं कि उनको पावर चाहिए होता है. तो उन्होंने मुझे देखा, वो कहने लगे आप किस बॉक्स में आते हैं? पावर में आते हैं. You don't fit in, and I obviously don't fit in. I don't fit in any of the thing. But my goal, inshallah, is to get the task that I've come to do, and I think we are on track to do it. So inshallah, that's the plan.
थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, बहुत शुक्रिया इमरान साहब से जो मैं आज सीख के जा रहा हूँ, द की लर्निंग टेक अवे नंबर वन मेरे लिए जो बहुत बड़ी एक इनसे जो गाइडेंस मिली, वो कहते हैं कि नेवर टॉक और थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स, ऑलवेज थिंक आउटसाइड बॉक्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स की बजाय प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। और लास्ट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो टेक अवे था वो मेकिंग अ डिफरेंस, क्योंकि वो पाकिस्तान के जो मेन इंस्पिरेशन, इज़ नॉट मनी, इज़ नॉट पावर, इज़ नॉट द पावर सीक, उनको कोई टेंशन नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, एक सर्व करने आए हैं और इतने बड़े सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन को टर्न अराउंड कर सकें, और उसके लिए एक ही सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, वो यकीन है, वो एक करेज है, वो इनके अंदर एक रेजिलियंस है, एक कंपोजर है, वो उनके पास माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको दी है। और बड़ी दुआ है कि ये अपनी इस प्रोजेक्ट पे, इस असाइनमेंट पे अल्लाह इनको कामयाबी दे, इजाज़त सर को इजाज़त दें, और सी यू टुडे पे इसको ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।